1:57 पर जब दुनिया के ज़्यादातर लोग सो रहे थे, ख़ास तौर से हमारा हिस्सा हिंदुस्तान में लोग नींद के आगोश में थे, चीन नेपाल में लोग जब सो रहे थे, उस वक्त ये भूकंप आया और इसका केंद्र नेपाल में था, नेपाल के मानीपुर में, और ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था इस भूकंप का केंद्र। 6.3 आकी गई भूकंप की तीव्रता। रात में 1:57 पर यह भूकंप आया, लेकिन जिन लोगों की आंखें खुली हुई थी, जो लोग उस वक्त जाग रहे थे, वो सब के सब डर करके अपने अपने घरों से बाहर आ गए। और ये एहतियात के तौर पे बताया भी जाता है कि आप अपने घरों से निकल कर खुली जगहों की तरफ आ जाएं अगर भूकंप के झटके महसूस करते हैं। 6.3 जो तीव्रता है वो आंकी गई है, और राहत की बात यह है कि कोई बड़े नुकसान की खबर अब तक नहीं है। नेपाल में अब तक 3 लोगों की जानें भूकंप की वजह से, जो एक मकान गिरा है उसमें 3 लोगों की जानें गई हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली NCR, ये वो इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, और 6.3 जो तीव्रता है। तो इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग काफी ज्यादा डर गए। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ही तहलका मचा दिया, उस पर सवाल जवाब शुरू हो गए कि क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए। तो सोशल मीडिया पर भी तहलका देखने को मिला आधी रात को। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घरों से बाहर निकल आए। और यही नहीं, मणिपुर समेत पूर्व उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तुरंत बाद, क्योंकि आधी रात को ये भूकंप आया, लोग उठ गए, जाग गए और वहां से घरों से बाहर निकलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। नेपाल में 5 घंटे में से 3 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। पहला रात 8:52 पर महसूस किया गया, तो वही दूसरा झटका रात 9:41 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.5 आकी गई, और तीसरा झटका देर रात 1:57 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। यानी आप देखिए, जो पहला झटका है वो कम है 4.9 का 8:52 पर, दूसरा झटका जो आया वो थोड़ा और कम था इससे, लेकिन उसके बाद जो 1:57 पर जब धरती हिली है तो वो जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, 6.3 मापी गई उसकी तीव्रता। और इसकी वजह से नेपाल में अभी तक जो खबर है, एक मकान गिरने से 3 लोगों की जानें गई हैं। आप देखिए, 8:52 पर पहला भूकंप का झटका महसूस किया गया, इसके बाद जो दूसरा झटका था वो 3 समथिंग था, और 6.3 का जो भूकंप आया तीव्रता वाला वो 1:57 पर आया। भारत में खासतौर से पूरा जो उत्तर भारत का हिस्सा है, जो नेपाल से सटता हुआ है, वहां पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे भी भारत का करीब 59% जो हिस्सा है वो भूकंप के लिहाज से रिस्क जोन में आता है, और भारत को पांच जोन में भूकंप के लिहाज से बांटा गया है, और दिल्ली NCR भी उस जोन में सेंसिटिव इलाकों में आता है। लेकिन चूंकि नेपाल में इसका एपिसेंटर था, तो इसके झटकों को हिंदुस्तान में भी महसूस किया गया। वो हिस्से जो नेपाल से सटते हुए हैं, नेपाल से करीब हैं, वहां पर इनके झटकों को ज्यादा महसूस किया गया है, और चीन में भी इसके झटके महसूस किए गए। आपको याद होगा कि 2015 में भी भूकंप आया था, जब नेपाल में तबाही मची थी, तकरीबन 9,000 से ज्यादा लोग इस बीच मारे गए थे। लेकिन अब आपको जानकारी दे दें कि नेपाल के देती जिले में 6 लोगों की मौत हो गई है भूकंप के झटकों से, मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, तो यह आंकड़ा बढ़ गया है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस वजह से दोती जिले में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, ये आंकड़ा बढ़ गया है, चूंकि रात में ये भूकंप 1:57 पर आया है, जैसे जैसे सुबह होगी, जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी और अपडेट मिलेगा, और ये नुकसान क्या बढ़ सकता है, ये भी और अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है कि क्या जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर क्या ज़्यादा नुकसान हुआ है। मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जैसा कि इस वक्त हमें अपडेट मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।